छह गेंद पर चाहिए थे 20 रन, दो विकेट हाथ में, फिर हुआ चमत्कार। सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हराकर मुंबई ने मारी जीत की हैट्रिक। आखिरी ओवर में सबकी सांसें रुक गई, मैच का रोमांच हदें पार कर गए। आईपीएल का 25वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए, जिसमें कैमरन ग्रीन ने नाबाद रहते हुए 64 रनों की अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस इतना बड़ा टोटल खड़ा कर सकी। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए, जिसकी वजह से इस मुकाबले को मुंबई ने 14 रनों से अपने नाम कर लिया। अपने गढ़ में 192 रनों का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत इस मुकाबले में काफी खराब रही, क्योंकि 11 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज हैरी ब्रूक 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गई। वहीं राहुल त्रिपाठी भी 7 रन बनाकर चलते बनी। उसके बाद मयंक अग्रवाल और कप्तान एडन मार्करम ने कंडीशंस के हिसाब से इस बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी। मार्करम 22 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अगले ही ओवर में अभिषेक वर्मा के रूप में एक और बड़ा झटका लगा। अभिषेक 1 रन बनाकर पीयूष चावला के ओवर में आउट हो गए। वहीं तेजी से रन बनाने के चक्कर में नरिक क्लासेन ने 14वें ओवर में अपना विकेट गंवा दिया। क्लासेन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 16 गेंदों में 36 रन ठोक डाले थे। बता दें कि 15 ओवर में 128 रनों पर सनराइजर्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन मयंक अग्रवाल पिच पर डटे रहे, लेकिन 48 रनों पर वो भी आउट हो गए। अंत में वाशिंगटन से उम्मीदें थी कि वे बड़े शॉट खेलकर जीत दिला देंगे, लेकिन सुंदर भी दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो गए। इसके बाद हैदराबाद की हार तय हो गई। मुंबई इंडियंस की पारी की बात करें तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत करते हुए अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 41 रनों की साझेदारी हुई। इस मैच में रोहित ने 28 रन और ईशान ने 38 रनों की पारी खेली। हालांकि सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कैमरन ग्रीन ने 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 37 रन बनाए और टिम डेविड 17 रन बनाने में सफल रहे। मुंबई के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से 5 विकेट के नुकसान पर 192 रनों का स्कोर लगाया जा चुका। इस मैच में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी हैदराबाद के खिलाफ अपना भौकाल बनाए रखा। मुंबई के गेंदबाजों ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी रन नहीं बनाने दिया। यही कारण रहा कि सनराइजर्स की टीम 10 ओवरों में 76 रन बनाकर 4 विकेट खो चुकी थी। मुंबई के गेंदबाज जैसन बैनड्रॉफ ने काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट में 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट, पीयूष चावला ने 2 विकेट और कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट लेकर हैदराबाद को बैकफुट पर धकेल दिया। वहीं अर्जुन ने 20 ओवर में किफायती गेंदबाजी की और अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट भी लिया और मुंबई इस मैच को 14 रनों से जीत गई। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।